साहब, मलिक असलम साहब, जमील साहब साहब, चौधरी शरीर साहब, ये पीडिया वाला सज्जाद अकबर साहब, मैडम फजाना साहब और फराज साहब, सबका शुक्रिया। अंसर साहब, उसने हमें बहुत इज्जत अफजाई की, उसने आवाज सॉफ्ट टेबल से उसे जो फंक्शन का इनकार किया गया, ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका खलूस है, जो कि बहुत उससे हमारी इज्जत अफजाई हुई, उसमें जिसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और आइंदा भी इंशाल्लाह ये रवायत बरकरार रहेगी, हमारी तरफ से भी ताउन जैसे माजी में रहा है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी इसी तरह जनाब आपके साथ पाकिस्तान कौंसलर दुबई के असिस्टेंट कौंसलर शरीफ अहमद खान की मुद्दत मुलाजमत की तकमील पर सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान की जानिब से एक खूबसूरत शाम सजाई गई। तकरीब की सदारत सॉफ्ट इमेज के सदर मलिक असलम ने की, जबकि दीगर शुरका में जमील इसाक, खालिद हुसैन चौधरी, सगीर चौधरी, आरफ मिनहास, फरजाना मंसूर, अजहर मलिक, उमर बलोच, चौधरी इफ्तखार, फराज सदीकी, सजाद अकबर व दीगर शामिल थे। शुरका ने जनाब शरीफ अहमद खान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने आला खिदमत का बेहतरीन मेयार कायम करके कम्यूनिटी के दिल जीत लिए। इस मौके पर लकाजा ग्रुप, वीटो रोड कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा और पीएफ जूजे की जानिब से शरीफ खान की आला खिदमात पर उन्हें एजाजी सवीनियर पेश की गई। तकरीब में मुकामी फनकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया और खूब दाद वसूल की। हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है इनके साथ, और सलीम साहब भी अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से इन्होंने खिदमत की है पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो मुझे उम्मीद है कि इनकी जगह पे मंसूर साहब आए हैं तो वो भी इनको फॉलो करेंगे। मेरा कोई ऐसा रिएक्शन नहीं रहा, लेकिन मैं कॉन्सलेट जब भी जाता था
तो छोटे भाइयों से बढ़ के अच्छा ट्रीट करते थे और जो लोगों को जाना था या उनके आउट पासेस थे, टिकट्स थे, ये सब इसमें शरीफ भाई ने जितना कंट्रीब्यूट किया।